हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। सो दिस इज डे नंबर 3 ऑफ संडे बाणी। सो वी हैव स्टार्टेड दैट सीरीज संडे बाणी फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स। सो दिस इज डे 3 कन से थर्ड संडे, एंड जहाँ पे कि हम कुछ डिस्कस करते हैं बहुत सारा पॉइंट्स को, ठीक है। और बहुत बच्चों ने कुछ मुझे सजेशन दिया था कि सर नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए वो सिली मिस्टेक्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट सिली मिस्टेक, ओके। तो उसको जाने से पहले आई होप कि ऑल आर फाइन एंड सब घर में अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है, मम्मी पापा घर में जितने भी आप लोगों के हैं फैमिली मेम्बर सबको ही अच्छे हैं, क्योंकि जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है बच्चों वर्ल्ड वाइड में बहुत ही मतलब पैंडेमिक बहुत इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है। सब सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, एजुकेशनल लाइफ को तो बहुत ही हैम्पर कर रहा है। बट आप लोगों को पॉजिटिव रहना, हैम्पर नहीं करना है आप लोगों को स्टडी को, क्योंकि आप लोग अभी अगर अभी हैम्पर करेगा आप लोगों को स्टडी का, देन ऑब्वियसली आई विल पे लेटर, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा आगे जाके कि कहाँ से आप लोग आए थे, कौन से बैच से आए थे। तो दैट्स व्हाई स्टडी को पूरा कंटिन्यूसली रखो। हम ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको मैथ्स का सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर सके। तो आज का बात नहीं है, डायरेक्टली आते हैं पॉइंट में। सो द पॉइंट इज़ ऑल अबाउट सिली मिस्टेक। तो बहुत बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों का एक एक्सक्यूज़ रहता है या फिर एक रहता है मन में कि सर हमारा एग्ज़ाम में बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, और उसको एक एक्सक्यूज़ बना के वो लोग अपना मार्क्स को जब डिक्रीज हो जाते हैं वो लोग वहाँ पे एक्सक्यूज़ लगा देते हैं कि सर हमको सब आ रहा था बट ड्यू टू दैट सिली मिस्टेक ओनली हमारा मार्क नहीं आया, ठीक है। तो उसको आप लोग अगर एक्सक्यूज़ के तरह ले रहे हो तो वो सिली मिस्टेक वैसे ही रहेगा, कभी सिली होके होके वो मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाएगा और रेगुलरली आप लोगों का मार्क्स वहाँ पे कम आएगा, ठीक है। तो वो सिली मिस्टेक को आप लोगों को सिली मिस्टेक के तरह नहीं लेना, वो मिस्टेक्स को आप लोगों को एक मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। जहाँ पर आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो उसको कैसे सुधार सकते हैं उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो और एक बार एक पॉजिटिव अगर हम पॉइंट्स बोले सिली मिस्टेक्स के ऊपर में, तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं बच्चों का सिली मिस्टेक हो या मिस्टेक होता है। सर ऐसा कैसे? क्योंकि देखो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा है, उसका तो मिस्टेक ही नहीं होगा ना। तो आप लोग अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर आप लोग अगर मिस्टेक्स तक पहुँच गए हो तो आप लोग वो जोन में आ गए हो ताकि आप लोग मिस्टेक्स कर पाओ, मतलब आप लोग पढ़ाई के लेवल में आ गए हो, ठीक है। तो अभी बात रहा कि उसे सुधारेंगे कैसे। सिली मिस्टेक बहुत टाइप का होता है, जैसे कि मैथमेटिकल सिली मिस्टेक्स हम बोल सकते हैं। हम नॉर्मली 4 × 5 = 20 की जगह मैं बहुत टाइम 9 लिख देता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐड करके लिख देता हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा ये मैथमेटिकल सिली मिस्टेक्स बहुत होता था एग्जाम में। हो ज़्यादातर MCQs हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, MCQs में ज़्यादातर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स होते हैं। कैसे? एक तो मैंने इसे मैथमेटिकल बताया आप लोगों, और एक जैसे हम बता सकते हैं कि ऑप्शन हमको सही पता है, मतलब हमको पता है कि बी ऑप्शन होने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम सी ऑप्शन लेकर आते हैं, फिर आके बोलते हैं कि सर हमारा तो ऑप्शन बी था, हमने गलती से सी लिख दिया, तो वो हो गया एक सिली मिस्टेक। और कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन देख लिया, अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन ये तो कल पढ़े थे, अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन तो आज सुबह जस्ट अभी एग्जाम हॉल से आने से पहले मैं पढ़ के आया हूँ, सर ये वाला कैसे छोड़ूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब जितना कॉन्फिडेंस हमको रखना चाहिए वो उसको सॉल्व करने के लिए उससे ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंट रह जाता है, ताकि सिली मिस्टेक होता है। गलती जान के भी हम गलती करते हैं, फिर बाहर आने के बाद हमको पता चलता है कि हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉल सिली मिस्टेक, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो सकता है, वो स्पेलिंग के फॉर्म में आ सकता है, तो बहुत सारा सिली मिस्टेक्स होते हैं, उसको आप लोगों को लेकिन सुधारना है। तो कैसे सुधारेंगे? दो वे हैं उसका सुधारने का। पहला तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर पर्टिकुलर आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे हो, एनालाइज करो कहाँ पे आप लोग पर्टिकुलरली मिस्टेक्स कर रहे हो, कि हम मैथमेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली जब हम लिख रहे हैं वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हम जब इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जगह में हमारा मिस्टेक्स हो रहा है, साइंस में हम जब कर रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंट जब हम लिख रहे हैं वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मैथ्स जब हम कर रहे हैं थियोरम वगैरह जब हम लिख रहे हैं उसमें मिस्टेक हो रहा है। तो पर्टिकुलरली पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आप लोग एक ऑब्जर्व करो, पहले एनालाइज करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। पहले वो है पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या? उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि मिस्टेक्स आर मेड टू बी रेक्टिफाइड। आप लोग मिस्टेक करोगे रेक्टिफाई करने के लिए, और अगर आप लोग मिस्टेक करते ही जा रहे हो उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो तो वो मिस्टेक्स का कुछ और फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अंडा आई होप कि ये सिली मिस्टेक्स का जो फंडा है आप लोग बहुत समझ लिए होंगे। और दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है, पहले आप लोग ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि कहाँ पर पर्टिकुलर मिस्टेक्स हो रहा है,
और उसको रेक्टिफाई करना करने का ट्राई करो। और जब भी एग्जाम में कुछ भी लिख रहे हो तो वो पर्टिकुलर जगह में, जैसे कि हमको पता है कि इंग्लिश में मुझे लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो वो पर्टिकुलर जगह में हम थोड़ा सा हमारा स्पीड को घटा देंगे, थोड़ा सा स्पीड को घटा देंगे वहाँ, जैसे मिस्टेक ना हो। ऐसा नहीं कि पूरा स्पीड को घटा देंगे ताकि पूरा सो सो के एग्जाम में चले आए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट जहाँ पे जरूरत है, जैसे मुझे पता चल रहा है कि मैथ में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा रॉन्ग हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर जगह में हमको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना है ताकि सिली मिस्टेक ना हो। जब आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग ऑप्शन को पता है, तो पर्टिकुलरली ए है मतलब ए को ही पुट करना है, फिर से ओवरलुक करना है कि हमने ए को ही डाला या फिर गलती से बी को डाल दिया। हम ओवरलुक नहीं करते बहुत टाइम, एग्जाम दे दिया, हाँ छोड़ो ये क्या कौन देखेगा, वो तो क्या हमने तो लिख लिया आंसर और कौन देखेगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ है बच्चों जिसको कि आपको ध्यान देना है। तो सिली मिस्टेक हो रहा है मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और थोड़ा जोन को बढ़ाओ ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो पहले आप लोग ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो उसको, और उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। रेक्टिफाई करोगे तभी जाके आप लोगों का सिली मिस्टेक्स होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि इतना भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने समझ लिया होगा सिली मिस्टेक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वाणी लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ स्टे एट होम, जय जय माता।